सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज आरआरबी पीओ की सारी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और हम एक एनालाइज कर पा रहे हैं कि क्या पेपर का लेवल था। जो पेपर का लेवल था वो था टफर साइड पे लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, और कुछ शिफ्ट आसान थी स्टार्टिंग की दो तीन शिफ्ट को छोड़ के। उसके बाद तो जो शिफ्ट का था वो कंसिस्टेंट थी डिफिकल्टी लेवल जो है उसका, और बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड अटैम्प्ट हैं। जिनकी शिफ्ट ईजी उनमें लोगों ने 65 प्लस भी अटैम्प्ट किए हुए हैं, 60 प्लस अटैम्प्ट किए। जिनकी शिफ्ट हार्ड थी मुश्किल थी उसमें लोगों ने 38-39 तक भी अटैम्प्ट किए हैं। तो यार देखा जाए ना, सीधी सी बात है, लास्ट ईयर भी मैंने आरआरबी पीओपी दिया था, इस बार दिया था, तो इस लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ये वाली शिफ्ट या ये वाला जो प्री था आपकी बार आरआरबी पीओ का, वो बहुत हाई लेवल पे था। मैथ्स तो पूछो ही मत, मैथ्स लास्ट ईयर बहुत इजी थी। इजी मतलब स्पीड मैथ्स तो आराम से निकल जाते थे, आपके पास स्पीड मैथ्स में भी बहुत डिफिकल्ट लेवल था उनका। तो ये जो प्रिडिक्शन बता रहे हैं ना बाकी के बैठ के बिना पेपर दिए, बिना पेपर का लेवल जाने, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ वहाँ से। आप डीमोटिवेट मत होना कि यार हमारा नहीं होगा, और जिन जिन लोगों के कम अटैम्प्ट हैं। और आपके पास नॉर्मलाइजेशन बहुत एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि जिनकी शिफ्ट हार्ड है ना उसमें आराम से आपकी आपके बहुत मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप लास्ट में परेशान हो जाओ कि यार हम काश पढ़ लेते पहले। तो जिन जिन के भी अगर हार्ड शिफ्ट है, मैं एक अटैम्प्ट बताता हूँ कि जिनके भी हार्ड शिफ्ट थी उनके अगर 40 के अराउंड भी अटैम्प्ट है ना, 40-45 भी हैं अगर, तो प्रिपेयर करो मेंस के लिए, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो। और जिनकी ईजी शिफ्ट थी उनके लिए तो है कि 55-60 अटैम्प्ट आपके होने ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों की तो भाई शिफ्ट आसान थी, क्या करें, तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं। और जो कट ऑफ जा सकती है, जो आप जिसके लिए आप वीडियो को आए हो वीडियो पे उसके बारे में बात करते हैं, तो हरियाणा की कट ऑफ मैं अपडेट करके बताता हूँ कि राउंड अबाउट 55-57 जाएगी जनरल की कट ऑफ, और बाकी के आप कंपेयर कर लेना अकॉर्डिंगली। और जो एक रेंज है कट ऑफ की सारे स्टेट की, वो जाएगी 43-55। ये तब है जब आपका नॉर्मलाइज होके आएगा स्कोर, उसके बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 43-53। और हरियाणा की 55-57 कट ऑफ जाएगी, ये श्योर है। हरियाणा तो क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि हाई लेवल पे ही होता है, मतलब हाई उसकी जो होती है कट ऑफ, वो हाई होती है। बाकी एक चीज़ और यार, अब ये हो गया कट ऑफ का, अब जिन जिन को कट ऑफ से मतलब था वो जा सकते हो, मतलब अगर रुकना है तो रुको, अदरवाइज़ आपको कट ऑफ पता चल के अब जा सकते हो। अब बाकी के जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि यार देखो, लास्ट ईयर मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मैंने भी ये सब चीज़ें देखी है कि यार पेपर देने के बाद क्या कट ऑफ प्रिडिक्शन होती है, क्या नहीं होती। तो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है कि आप अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाओ। आपको बहुत बुरी बात बुरी लगेगी, यार तुम तो लगे हुए हो, तुम्हारे लिए तो आसान है कहना कि हाँ जाके पढ़ने लग जाओ मेंस के लिए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप पता प्री ना निकले फिर, लेकिन आपका वो पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। आगे IBPS PO आ रहा है, नोटिफिकेशन आउट हो चुके IBPS क्लर्क है, तो मेंस की प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनकेस आपको लग रहा है कि हाँ हमारा प्री नहीं होगा, क्या पता यार क्या लिखा हुआ है फ्यूचर में, क्या पता नॉर्मलाइजेशन आपके पास ज़्यादा हो जाए और आपका प्री क्लियर हो जाए, फिर आप क्या करोगे? लास्ट के 10-15 दिन मिलते हैं आपको मेन से पहले, उतने में क्या प्रिपेयर कर पाओगे? तो एक एडवाइस है भाई, समझ के मानो या कैसे भी, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर जिनका भी लग रहा है कि हाँ हमारा प्री हो सकता है, प्रिपेयर करो मेन्स के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आप लोगों को खुद को पता है यार आपका पेपर कैसा होगा, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है अगर कम अटैम्प्ट है, आपको पता है कि मेरा पेपर थोड़ा बहुत निकल जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि चांस है तो गो फॉर इट, मेंस के लिए पढ़ो, वो बहुत काम आएगा। और आगे जिन जिन का भी IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं, वो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कि हाँ क्या स्ट्रेटजी वगैरह हो सकती है, जो वर्किंग है, जो क्लर्क वर्क कर रहे हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं, किसी और बैंक में अपना शिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है, और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी। तो प्लीज़ ये बात आप समझ लो कि आप जाके मेंस के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि टाइम अब मेंस के लिए बहुत कम मिलता है, और आपका है भी उसमें थोड़ा ना लेवल।